है फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स, और ये जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, तो इसमें से हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल टेक टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोग्रामिंग स्किल का बेसिक्स जो होता है, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग वो क्या क्या होते हैं। तो हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में पता होना ज़रूरी है, उसका सिंटैक्स पता होना ज़रूरी है, उसके डेटा टाइप्स, उसका जो फॉर्मेट होता है वो पता होना ज़रूरी है, और वो जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी पता होना ज़रूरी होता है। फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, उसका यूज़ क्या होता है और वो कैसे यूज करते हैं, वो हमें कैसे हेल्प करते हैं, वो भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि प्रोग्रामिंग स्किल आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ने के लिए, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, वो आपको कैसे हेल्प करता है, वो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग जो होते हैं उसमें से ये एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो भी अगर आपको पता है तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर नॉलेज। आपको डीबगिंग और डिफरेंट IDEs जो होते हैं वो भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 8 चीज़ें आपको पता है, देन यू कैन गेन योर गोल टू बीकम अ गुड प्रोग्रामर। तो चलो इसके हम शुरुआत करते हैं, टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर बाय नोइंग द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के हम अंदर हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स विच आर यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यूज। ये जो कंटेनर होते हैं वो डेटा वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। अदर वे राउंड हम ये भी बोल सकते हैं कि मेमोरी एलोकेशन ऑफ द सेम डेटा टाइप वो करते हैं और उसमें हम वो डेटा स्टोर करते हैं। अभी जो है ये वेरिएबल जो है वो डिक्लेरेशन करते हैं यूजिंग कीवर्ड। कीवर्ड यूज करके हम उसको डिक्लेयर करते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में डिक्लेरेशन डिफरेंट कीवर्ड्स वो अलग अलग होते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली लैंग्वेज चूज करके उसके लिए क्या डिक्लेरेशन होता है, कौन कौन से कीवर्ड होते हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेरिएबल नेम्स जो हमें देने होते हैं वो यूजुअली अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है प्रोग्रामिंग के बारे में तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मुझे किसी पर्सन का नेम स्टोर करना है तो मेरा वेरिएबल का नेम क्या होगा, वेरिएबल नेम विल बी पर्सन अंडरस्कोर नेम। तो ये क्या होगा, अल्फा अल्फाबेट हो गए उसमें, और अंडरस्कोर जैसे स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें आ गए, और नंबर भी हम अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी हम यूज़ कर सकते हैं टू गिव द नेम टू एनी वेरिएबल। जैसे कि मैंने अभी बोला स्पेशल कैरेक्टर उनको भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि अंडरस्कोर और डॉलर साइन, वो भी हेल्प करते हैं हमें वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने में। जो वैल्यू होल्ड की जाती है वेरिएबल में, क्योंकि ये क्या होता है, कंटेनर होता है, कंटेनर विच इज यूज टू होल्ड वैल्यूज, तो वो अलग अलग डेटा टाइप के होते हैं। वो अलग अलग डेटा टाइप ऑब्वियसली जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसको सपोर्ट करने वाले ही डेटा टाइप्स आप आपके प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। और एट द एंड आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, जो कंटेनर होता है जिसमें जो वैल्यू करंटली होल्ड की गई है वो चेंज हो सकती है जैसे जैसे आप आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम द वेरिएबल मे होल्ड द सेम वैल्यू, नो, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे कि आप मान लो एक कंटेनर है आपके घर में और उसमें आपने फॉर एग्जाम्पल योर मम्मी इज कीपिंग सम वन वैल्यू इन द कंटेनर, आफ्टर फिनिशिंग दैट वैल्यू
योर मम्मी इज यूजिंग द सेम कंटेनर टू स्टोर द अनदर वैल्यू अनदर थिंग वी कैन से. सो इन द सेम वे सेम कंटेनर हम अलग अलग चीज़ें विद द सेम डेटा टाइप स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो चलो अभी नेक्स्ट बेसिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग देखते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, तो हर एक लैंग्वेज का खुद का एक सिंटैक्स होता है, और वो सिंटैक्स आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आपको वो सिंटैक्स लर्न करना होता है, आपको वो अंडरस्टैंड करना होता है, और वो सिंटैक्स आपको पूरा यूज करना होता है आपकी प्रोग्राम में. सिंटैक्स इज नथिंग बट द सेट ऑफ रूल्स, वो आपको स्ट्रिक्टली यूज करना होता है. आप अगर कुछ अलग सिंटैक्स बना रहे यूज कर रहे हो और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो ये नहीं चलता है. अगर आप सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आपको सी लैंग्वेज का ही सिंटैक्स यूज करना होता है. अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो जावा का ही सिंटैक्स आपको यूज करना होता है. अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो तो आपको पाइथन का सिंटैक्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये हो गया आपका बेसिक सिंटैक्स. जो अभी मैंने बोला कि एवरी प्रोग्रामर इज बाउंडेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट एरर फ्री प्रोग्राम, राइट. अगर आप मान लो कि पाइथन का प्रोग्राम लिख रहे हो पाइथन की आईडीई में और आप जावा का सिंटैक्स यूज कर रहे हो, तो क्या ये आपका प्रोग्राम एरर फ्री होगा? नहीं, क्योंकि जावा आईडीई को जावा लैंग्वेज समझ में आएगी, पाइथन आईडीई को पाइथन लैंग्वेज समझ में आ जाएगी. पाइथन की आईडीई में आप जावा का प्रोग्राम नहीं लिख सकते हो, वैसे ही वाइस वर्सा जावा की आईडीई में आपका पाइथन का प्रोग्राम रन नहीं होगा, वो एरर देगा. तो आपको ये जो रूल्स होते हैं सिंटैक्स के, वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और एवरी प्रोग्रामर इज बाउंडेड टू फॉलो द रूल्स. आगे देखते हैं कैसे होता है ना. अगर सिंटैक्स ही नहीं है तो इम्पॉसिबल होगा आपको कोई भी रीड करना इंस्ट्रक्शन, या आपको अंडरस्टैंड करना कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर उसका सिंटैक्स आपके पास नहीं है, और अगर उस लैंग्वेज का सिंटैक्स नहीं है. तो सिंटैक्स जो होता है वो किस चीज़ का होता है? मेनली डिक्लेरेशन का होता है, जो सेंटेंसेस होते हैं उसका होता है, स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसका होता है. बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, फंक्शन कैसे लिखना है, फंक्शन कॉल कैसे करना है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट क्या होता है, न्यू लाइन क्या होता है, ये सारे जो सिंटैक्स होते हैं वो हर एक लैंग्वेज का स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है, और वही आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. चलो थर्ड बेसिक देख लेते हैं, वो है डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स. तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो डेटा टाइप्स रेफर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा, राइट. मान लो अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया था नेम ऑफ द पर्सन का, उसका डेटा टाइप अलग होता है, उसका टाइप अलग होता है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स आपको स्टोर करने होते हैं. और अगर पर्सन का आईडी है तो उसमें नंबर्स आते हैं, तो इसका मतलब जो है उसके टाइप्स अलग अलग होते हैं. तो ये हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को. एज फार एज डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न, डिफरेंट डेटा टाइप्स यू हैव टू नीड टू यूज इन योर प्रोग्राम. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं. स्ट्रिंग है जिसमें आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, जैसे कि नेम ऑफ द पर्सन. बुलियन है जो कि आपको येस नो और ऑन ऑफ में आंसर देगा. देन इंटीजर्स है, जैसे कि आप मैंने एग्जाम्पल दिया पर्सन का आईडी जो होता है वो इंटीजर्स में होता है. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं जो कि डेसिमल नंबर्स होते हैं. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी के परसेंटेज स्टोर करने हैं, परसेंटेज मार्क्स स्टोर करने हैं, तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर आपको यूज़ करना होगा. अगर आपको सिंगल कैरेक्टर यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो यूजिंग कैरेक्टर्स एंड सो ऑन. देर आर डिफरेंट डेटा टाइप्स. तो बेसिकली डेटा टाइप्स जो होता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होता है. डेटा जो डिफरेंट टाइप का होता है उसको क्लासिफाई करने के लिए यूजुअली डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं. और अभी हम देखते हैं द नेक्स्ट पार्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स.
सो डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज, और उस पर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो ये जो डेटा है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप का डेटा जो होता है वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। सो जैसे कि मैंने अभी बोला, जो डेटा स्ट्रक्चर्स होता है वो इम्पॉर्टेंट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग द डेटा क्विकली एंड इफिशियंटली। राइट, आप डेटा स्टोर कर रहे हो, पर आप अगर वो क्विकली एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका इफिशियंटली यूज नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको इफिशियंटली एंड क्विकली करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। और इसके सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स आर स्टैक, क्यूज, एरेज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ, हिप्स एंड टेबल्स। टू नो मोर अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर, आई एम हैविंग डिफरेंट प्ले लिस्ट एंड वीडियोज फॉर दीज डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स ऑन माई चैनल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट बेसिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग इज फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सो वॉट डिज फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर? दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एंड फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर कमांड्स दैट अलाउ प्रोग्राम्स टू डिसाइड टू टेक वन डायरेक्शन और द अनदर वन। राइट, सो दिस आर नथिंग बट द डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। वी हैव टू टेक अ डिसीजन इन अ प्रोग्राम, आइदर टू परफॉर्म वन टास्क और टू गो फॉर द अनदर वन। एंड these are the three basic types of control structure. They are sequential control structure, selection control structure and the iteration control structure. We'll see all of them one by one. So the sequential control structure, that involves the execution of code statement one after the another, just same as of your simple program. Right, agar simple program aap likh rahe ho, hello world program aap maan lo, तो जिसमें जिसमें के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेसिक कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर, नथिंग बट अ सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। द कंप्यूटर डिसाइड्स व्हाट एक्शन इज टू बी परफॉर्म बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अ टेस्ट और अ कंडीशन विच इज इक्वेलिंग आइदर ट्रू और अ फॉल्स। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है इफ एल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज है और आपको उसमें से हर एक वैल्यू को डिसाइड करना है कि वेदर दिस वैल्यू इज इवन और ऑड। सो व्हाट यू विल राइट डाउन इन योर प्रोग्राम, आपको क्या लिखना है उस केस में? आपको इफ कंडीशन लिखना है। कंडीशन में आपको क्या चेक करना है? वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। इफ द नंबर इज इवन मीन्स द कंडीशन इज ट्रू, इक्वेलिंग टू ट्रू, एंड इट विल print a statement the number is even, otherwise it will go into the else part which indicates that the condition is false, and it will write down or it will display the statement the number is odd. In this way, the if else is the example of a selection control structure where you are going to select the result either true or false, and accordingly you will perform the operation. And the third one is iteration. Now iteration usually are nothing but the loops. Loops are nothing but the iteration structure, and that allows a statement or a block of code to be run repeatedly until a specified condition is no longer true. मीन्स अगर वो ट्रू होता है तो ये सारे स्टेटमेंट इटरेटिवली, जो कोई आप लूप के अंडर लिख रहे हो वो इटरेटिवली एग्जीक्यूट होते हैं। तो क्या आपको पता है इसके एग्जाम्पल्स क्या है? हाँ, वेरी गुड। तो इसके एग्जाम्पल है व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो ऑन दीज फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। आई होप अब तक आपको समझ में आ गया है कि फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग एज अ बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो फंक्शन जो होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं?
जो कोई टास्क आपको रिपीटेडली परफॉर्म करना है उसके लिए हम जो लाइन ऑफ कोड होता है वो फंक्शन के अंडर डाल देते हैं। तो फंक्शंस आर कंटेनर्स अगेन दैट टेक इन अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड रिटर्न एंड आउटपुट। जो कोई सेट ऑफ वैल्यूज सॉरी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं वो इनपुट समहाउ लेते हैं और वो कुछ आउटपुट भी रिटर्न करते हैं। द रिडंडेंट स्टेटमेंट्स आर क्लब्ड टुगेदर टू फॉर्म अ फंक्शन। रिडंडेंसी ये रिड्यूस करता है, जो रिडंडेंट स्टेटमेंट है वो क्लब टुगेदर टू फॉर्म अ फंक्शन। एंड यूज ऑफ फंक्शन इन अ प्रोग्राम इलिमिनेट्स द ऑकरेंस ऑफ डेटा म्यूटेशन। क्योंकि अगर रिडंडेंट स्टेटमेंट रिडंडेंटली आप आपके प्रोग्राम में लिख रहे हो तो वो डेटा म्यूटेशन हो जाता है, और वो एलिमिनेट करने के लिए वी विल यूज द फंक्शन। देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ अ फंक्शन कॉलिंग एंड पासिंग द पैरामीटर्स। राइट, फंक्शन जो होता है उसको कॉल करने के भी डिफरेंट मेथड होते हैं, उसको पैरामीटर्स जो होते हैं वो पास करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसके अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके बारे में भी मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। सो इट इज इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड और इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है और करना चाहिए। नो, इट्स नॉट एट ऑल मैंडेटरी। फंक्शन में नॉट रिटर्न एनीथिंग, इन दैट केस उस फंक्शन का रिटर्न टाइप हो जाता है वॉइड। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो होता है, मतलब कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, छोटे छोटे आपको फंक्शंस लिखने हैं आपके डिफरेंट पर्पजेस के लिए और आपको वो क्लब करने हैं इन योर प्रोग्राम। सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम और अ बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर। तो आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेन एवर यू आर इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम और इफ यू आर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर। लेट स्टार्ट विद द सिक्स्थ बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको OOP भी हम बोलते हैं, इज अ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट और अ टाइप ऑफ लैंग्वेज। इट इज वन टाइप ऑफ लैंग्वेज। एक्चुअली क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है वो ज़्यादा करके ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। इसमें और कंसेप्ट होता है जो होता है क्लास। तो यूजुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिवॉल्व्स अराउंड द ऑब्जेक्ट्स एंड द मेथड्स। मेथड्स आर नथिंग बट द फंक्शंस, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्यू ऑफ द फीचर्स आई हैव लिस्टेड ओवर हियर, दे आर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। इसके बारे में हम वन बाय वन देखते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस आपको पता है, इन जनरल यूजुअली हम हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं। पेरेंट्स हमारे उनके पेरेंट्स की, मतलब कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं। वही जो होता है उसको ही हम, यही कंसेप्ट हम प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। व्हेन अ क्लास डिराइव्स फ्रॉम अनदर क्लास, राइट, मीन्स ग्रैंड पेरेंट क्लास जो प्रॉपर्टी पास ऑन करता है उसके चाइल्ड क्लास को, इसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। अ क्लास डिराइव्स फ्रॉम अनदर क्लास मीन्स अ पेरेंट क्लास, पेरेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर पेरेंट मीन्स आर ग्रैंड पेरेंट्स, राइट, दिस इज नथिंग बट द इनहेरिटेंस कंसेप्ट। वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये जो फीचर है इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? समटाइम्स समथिंग ऑकर्स इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स, राइट, सेम थिंग इज देयर बट डिफरेंट फॉर्म्स आर देयर ऑफ द सेम थिंग। सो इट इसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और एनकैप्सुलेशन क्या होता है? जो डेटा होता है वो बाइंड किया होता है इन अ व्हाट वी कैन से इन अ क्लास, सो अलॉन्ग विद द मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा इन टू अ सिंगल यूनिट, दैट इज अ क्लास। जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है वो मेथड के साथ
बाइंड किया होता है, ये इसे हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। सो मेजरली ये जो होते हैं ये फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, और ये फीचर्स आपको हेल्प करते हैं आपका प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए और आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डीबगिंग। अभी डीबगिंग क्या होता है? सो द डीबगिंग इज नथिंग बट द इम्पॉर्टेंट टेक्निक टू फाइंड एंड रिमूव द नंबर ऑफ एरर्स और बग्स और डिफेक्ट्स इन अ प्रोग्राम, राइट। ये जो होता है वो इम्पॉर्टेंट टेक्निक होता है। वो आपको क्या मदद करता है? आपको वो मदद करता है अगर आपके प्रोग्राम में कोई बग है, एरर है, डिफेक्ट्स है, तो वो आपको फाइंड आउट करने के लिए डिबगिंग मदद करता है। क्योंकि आपका प्रोग्राम अगर एरर फ्री है, बग फ्री है, तो ही आपका वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा और विल गिव द करेक्ट रिजल्ट्स एज फार एज द रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न। तो इसी के लिए आपको डीबगिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो टेक्निक होता है, जैसे कि मैंने अभी बोला, तो नॉट ओनली डिटेक्ट्स और फाइंड्स द एग्जिस्टिंग एरर्स और लूप होल्स, पर ये आपको क्या करता है, आइडेंटिफाई, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एरर्स जो हो सकती है आपके प्रोग्राम में, वो भी आपको हाईलाइट करने में डिबगर हेल्प करता है। सो ये जो डिबगिंग होता है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद डिबगिंग नहीं होता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स डेवलप होते हैं उसमें डिबगिंग होता है। वो उसमें बग्स फाइंड आउट किए जाते हैं, और अगर वो अच्छे से वर्क हो रहा है तो सारे मॉड्यूल्स कंबाइन करके फिर से उसका टेस्टिंग होता है, डिबगिंग होता है। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? जैसे कि अभी ये बोला मल्टी स्टेप प्रोसेस है, तो स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप होते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बग्स, देन फाइंडिंग द सोर्स, कहाँ पे है वो बग, वो किया जाता है, और उसके बाद उसका करेक्शन किया जाता है, देन इट विल गिव द करेक्ट रिजल्ट्स। डिफरेंट टूल्स यूज किए जाते हैं फॉर द डिबगिंग ऑफ योर कोड, एंड प्रोग्रामर्स कैन डीबग द कोड बाय टू डिफरेंट वेज, दे आर मैन्युअली और द ऑटोमेटिकली। मैन्युअली कैसे करते हैं? यूजिंग ड्राई रन, जैसे कि आपके पास कोड है, आपको वैल्यू खुद से ही पुट करते जानी है और चेक करना है कि आपका प्रोग्राम आपके रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं। अदरवाइज ऑटोमेटिकली ऑल्सो यू कैन परफॉर्म द डीबगिंग यूजिंग डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स। GDB डिबगर करके एक ऑनलाइन टूल है जो आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिबगर प्रोवाइड करता है। तो और भी हम आ चुके हैं हमारी लास्ट बेसिक कंसेप्ट पे, विच इज नथिंग बट द IDEs। तो IDE क्या होता है? तो IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो ये जो होता है वो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको जावा में एग्जीक्यूट करना है, आपको जावा में इम्प्लीमेंट करना है, तो जावा का IDE अलग होता है। अगर आपको पाइथॉन में करना है तो पाइथॉन का IDE अलग होता है। तो आपको ये एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर प्रोग्राम। सो दीज आर नथिंग बट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। हम उसको यूज करते हैं टू राइट अ कोड एंड ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट ग्रुप। ऑल्सो इट हेल्प्स यू फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। एंड अगर आप IDE यूज करते हो तो आपका मतलब प्रोग्रामर का क्या होता है, आपका इफिशेंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो IDE यूज करना बहुत अच्छी बात होती है। IDE हैज एडेड सम फीचर्स जो कि आपको हेल्प करते हैं टू इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम मोर इफिशियंटली एज इट इंक्रीजेस द इफिशियंसी। तो उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं जो एडेड फीचर्स मैंने यहाँ पे बोले, तो वो होते हैं कोड कंप्लीशन, आपको वो दिखाता है, कोड कंपाइलेशन की फैसिलिटी वो देता है, डीबगिंग की भी फैसिलिटी देता है, सिंटैक्स हाईलाइट करता है। और ये तो बहुत कम फीचर्स यहाँ पे ड्यू टू व्हाट वी कैन से स्पेस के कारण मैंने यहाँ पे बहुत कम फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, बट बहुत सारा ज़्यादा फीचर्स, बहुत ज़्यादा हेल्प वो आपको करता है वाइल इम्प्लीमेंटिंग अ कोड। एंड यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, सम IDEs आर विजुअल स्टूडियो कोड, ये एक IDE है, एक्लिप्स एक IDE है, देन इंटेलीजे आइडिया एक है, नेटबीन्स है। तो ये
डिफरेंट आइडियाज है जो आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम. सो आई होप फ्रेंड्स यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग वेरी वेल एंड आई होप यू विल परफॉर्म यू विल इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम वेरी वेल एंड यू विल बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑल्सो वेरी सून. अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए. थैंक यू फ्रेंड्स.